Hello dear students, welcome to the YouTube channel English Scholars. मैंने अपने YouTube channel का नाम change करके English Scholars रखा है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई channel पे video search करना हो तो आप English Scholars पे जाएं. Students, today we are going to study Robert Browning, his life and works. I am assistant professor N.K. Parikh. I am currently working as a assistant professor in Government College. And today we are going to study Robert Browning, who is a Victorian poet. आज हम उनकी life and works के बारे में बात करेंगे. ये हमारा आज का जो वीडियो है, ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है. इसमें मैं कोशिश करूँगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइफ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को कवर कर सकूँ और उनके जो भी वर्क्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा. देखिए स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के पोइट हैं और ब्राउनिंग एक ऐसे पोइट हैं जिनको और अपनी लाइफ में बहुत लेट रिकग्निशन मिली. उनको 30 इयर्स तक कंटिन्यूस और हार्ड वर्क के बाद उनको एक पहचान मिली और बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है. ही वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर अराउंड 30 इयर्स एंड देन ही गॉट रिकग्निशन एज अ पोइट और आज हम उन्हें विक्टोरियन एज के चीफ एक्सपोनेंट जो हैं टेनिशन, उनके इक्वल हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं. वो 30 साल तक उन्होंने लगातार परिश्रम किया, मेहनत की. उनकी जो पत्नी है एलिजाबेथ बैरेट, वो उनसे ज़्यादा पॉपुलर थी, वो उतने पॉपुलर उस समय पे नहीं थे और फाइनेंशियली उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था. बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके द्वारा, बहुत सारे क्रिटिक्स ने उनकी आलोचना की थी. टेनिशन ने और कार्लाइल ने, बहुत सारे राइटर्स ने उनकी आलोचना की. उनको एक ऑब्स्क्यूर पोइट के नाम से और पुकारा जाता था, यानी उनको कहा जाता था कि इनकी पोइट्री बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती है. तो ऐसे एक पोइट जिनको पहले पहचान नहीं मिली थी, 30 साल तक जिनको लोग जानते नहीं थे, उसके बाद उनको पहचान मिली और उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की, इतना उनका नाम हुआ कि आज हम उनको टेनिशन के अलोंग विद टेनिशन वी रिमेम्बर हिज नेम. सो वी मस्ट रीड सच अ पॉइंट एंड वी शुड ट्राई टू इम्बाइब समथिंग फ्रॉम हिज राइटिंग्स एज वेल एज फ्रॉम हिज लाइफ इटसेल्फ. So students, let's start today's video lecture on Robert Browning. आज का जो video lecture है ये literature की competitive exam की तैयारी करने वाले, चाहे वो NET की तैयारी कर रहे हों, PGT की तैयारी कर रहे हों, assistant professor की तैयारी कर रहे हों या कोई भी competitive exam दे रहे हों, मैंने try किया है कि Robert Browning को हर aspect से हम पढ़ेंगे. चलिए let's start today's topic, Robert Browning. Before starting, one thing I want to tell you students that I have made great effort to make this video possible. So I want to ask you that whether you like the video or dislike, do comment and tell me. If you like the video, then hit the like button and share the video with your fellow students. First, पहले हम बात कर लेते हैं Robert Browning. विक्टोरियन एज के पोइट थे और क्या उस समय की विशेषताएं थी, थोड़ा सा हम एज के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम. पोइट्री वॉज पॉपुलर विद द विक्टोरियंस, पोइट्री उस समय पे पॉपुलर थी. बट द नॉवल इमर्स्ड एज अ डोमिनेंट आर्ट फॉर्म, नॉवल जो है वो एक बहुत ही प्रभावी और एक फॉर्म बना लिखने की. ड्रामा डिड नॉट रिसीव मच पैट्रनेज, ड्रामा को उस समय पे ज़्यादा लोगों की मदद नहीं मिली, संरक्षण नहीं मिला. ब्राउनिंग फेल्ड इन थिएटर बट सक्सेडेड इन ड्रामेटिक पोइट्री विद अ स्ट्रॉन्ग नरेटिव एलिमेंट. ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक
पोइट्री में उन्हें बहुत सफलता मिली। और आप लोगों को पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नॉन एज पॉइंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर के रूप में, और ब्राउनिंग को पहचाना जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड शेले कंटिन्यूड इन टेनिसन एंड ब्राउनिंग रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो विक्टोरियन एज था उसकी जो पोइट्री है वो थोड़ी प्रभावित थी रोमांटिक एज के पोइट्स थे, ज़्यादा उन पे इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे टेनिसन, और शेली का इन्फ्लुएंस था ब्राउनिंग पे। पोइट्री एंड द नोवल रिफ्लेक्टेड ऑन द विक्टोरियन वैल्यूज एंड कॉम्प्रोमाइजेस। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक बहुत ही फेमस टर्म है। विक्टोरियन एज में देर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो रिलीजन और साइंस की हम बात करें या मटेरियलिज्म और नेचर की हम बात करें, इनके बीच में एक तरह का कॉम्प्रोमाइज था। और जो वैल्यूज हैं, विक्टोरियन वैल्यूज हैं उनमें, और जो उस समय की सोशल कंडीशंस थी और प्रिवेलिंग वैल्यूज थी पहले की, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज था। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज जो है ये भी उस समय की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे। एक्सप्लोरेटरी आर्ट फॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम द प्री रेफलाइट्स। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड शुरू हुआ था जिसमें मेनली जो आर्टिस्ट हैं यानी जो पेंटर्स हैं वो इसमें ज़्यादा थे, कुछ इसमें पोइट्स भी थे, उन्होंने पोइट्री भी लिखी है। तो इससे नई तरह की आर्ट फॉर्म जो है उसकी लिखने की शुरुआत हुई। चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में। क्या था? किंग जॉर्ज फोर्थ 1820 टू 1830, विलियम फोर 1830-1837, क्वीन विक्टोरिया 1837 टू 1901। एक्चुअली आफ्टर द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया द कमेंसमेंट ऑफ द इरा इज taken into consideration, like from 1837, some people considered from 1832. Reform bills इस समय पे आए थे, factory acts बने थे, famine बहुत सारे अकाल पड़े थे, अधिकारों की बात हुई थी, wars हुए थे, theory of evolution यानी Darwin का जो सिद्धांत था, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। industrial revolution भी हो रहा था, औद्योगिक जो नई नई शुरुआत जो है वो हो रही थी। वोटिंग का राइट जो है स्लेव्स को, गुलामों को जो है वो मिला था, और महिलाओं को काफ़ी समय के बाद वोट देने का अधिकार मिला था, और जो वर्किंग क्लास है, लेबर्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला था। और एक बड़ी बात हुई थी कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है, यानी पहले इंसान बंदर था, ये जो थियोरी है ये उस टाइम पर आई थी, और इस थियोरी ने इट टॉपसी टर्बीड द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि द अर्थ इज अ सेंटर, तो ये एक जो रिलीजियस और साइंटिफिक टेम्परमेंट है इनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये इस एज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और दैट कैन बी सीन इन द पोइट्री ऑफ टेनिसन चीफली, एंड इन द पोइट्री ऑफ ब्राउनिंग एज वेल, एंड इन अदर पोइट्स। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स का इसमें प्रभाव था। इमर्जेंस ऑफ एलिजाबेथ बैरेट, टेनिसन एंड ब्राउनिंग, सीरियस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी बाय नॉवलिस्ट एंड प्रोज राइटर्स। नॉवलिस्ट इस एज में काफी हुए हैं और उनके नॉवल्स काफी पॉपुलर भी हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्राउनिंग के बारे में। लाओ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो लेक्चर को मैंने तीन भागों में बांटा है। पहले में हम ब्राउनिंग की लाइफ के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम ब्राउनिंग के जो वर्क्स हैं उनकी बात करेंगे, और थर्डली आई हैव ट्राइड टू टेल इन नटशेल इन अबाउट द मेन आइडिया एंड द स्टोरी लाइन एंड अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट ऑफ द वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग। तो इन तीनों को हम, इन तीन पार्ट में मैंने इस वीडियो लेक्चर को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ब्राउनिंग वॉज द पोइट हु गॉट रिकॉग्निशन आफ्टर 30 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क। 30 साल तक लगातार काम करने के बाद उन्हें वो पहचान मिली।
टेनिसन ने उनकी आलोचना की है जब उन्होंने लिखा था सॉडेलो, सॉडेलो लिखा था ब्राउनिंग ने, तो टेनिसन ने कहा कि मुझे सिर्फ इसकी दो लाइनें समझ में आई थी, हु विल मे हियर सॉडेलो स्टोरी टोल्ड, और दूसरी लाइन थी हु वुड हैज हर्ड सॉडेलो स्टोरी टोल्ड। उन्होंने ये कहा कि मुझे सिर्फ ये दो लाइनें समझ में आई थी ब्राउनिंग की इसमें सॉडेलो में, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स, ये एक सिंबॉलिक नाम है। स्टूडेंट्स देखिए, ब्राउनिंग ने 1841 से लेकर 1845-6 तक जो अपनी एक सीरीज लिखी थी बुक्स की, उसका नाम उन्होंने दिया था बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स, और ये सिंबॉलिक नेम है पोइट्री एंड थॉट के लिए, यानी बेल्स रिप्रेजेंट पोइट्री एंड पोमेग्रेनेट रिप्रेजेंट थॉट। डेथ उनकी 12 दिसंबर 1889 को हुई थी, और इसी दिन इनका लास्ट वर्क जो है आइसलैंडो वो पब्लिश हुआ था। अपनी खुद की पॉकेट मनी से जो पहली किताब उन्होंने खरीदी थी उसका नाम ओजियन था, और इसी किताब के आधार पर उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी। जब 12 साल के वो थे तो उन्होंने इनकॉन्डिटा नाम से एक वर्क लिखा था, और ये बायरन की पोएम पर आधारित था। डब्ल्यू जे फॉक्स जो द मंथली रेपोजिटरी के एडिटर थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये कुछ बातें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे ब्राउनिंग के बारे में। अब हम ब्राउनिंग की लाइफ के बारे में बात करते हैं। ब्राउनिंग फ्रॉम 1812-1889, ब्राउनिंग का जन्म एम्बरवेल में इंग्लैंड में 1812 में हुआ था। ब्राउनिंग के फादर एक वेल पेड क्लार्क थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में। उनकी मदर जिनका नाम सारा था वो एक बहुत ही परफेक्ट पियानिस्ट थी, यानी पियानो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। मोस्टली सेल्फ टॉट, उन्होंने खुद ही अध्ययन किया था, और उनके पिता के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 6000 के करीब किताबें थी, उन किताबों से उन्होंने अध्ययन किया था। शैली का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। शैली का और उदाहरण लेते हुए ब्राउनिंग एक एथिस्ट और वेजिटेरियन बन गए थे, यानी पहले वो एक नास्तिक और वेजिटेरियन बन गए थे, बाद में उन्होंने और इसे छोड़ दिया था। फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और लेटिन का उन्हें अच्छा नॉलेज था। 2 साल तक ट्यूटर्स आते थे उनको घर पे पढ़ाने के लिए, म्यूजिक, ड्राइंग और डांसिंग उन्हें पढ़ाते थे वो। लंदन यूनिवर्सिटी में 1 सेमेस्टर तक वो गए, फिर वो घर वापस लौट आए और पढ़ाई की उन्होंने, और किताबें प्रकाशित करना उन्होंने शुरू किया अपने पिता के खर्चे पर। 30 साल की उम्र तक वो अपने घर पे रहे थे, ही लिव्ड एट होम अंटिल हिज 30s। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपनी मदर से इतने ज़्यादा अटैच्ड थे दैट ही कुड नॉट गो टू स्लीप इवन अंटिल द एज ऑफ 30 विदाउट नाइट गुड नाइट किस बाय हिज मदर। थर्टी फोर ईयर्स तक ही वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली। 34 साल की उम्र तक और शादी तक वो अपने परिवार पर निर्भर रहे। मार्च 1833 में पॉलिन ए फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन किताब प्रकाशित हुई थी, जिसे सैंडर्स एंड ऑटे ने प्रकाशित किया था, और इसमें इन्होंने खुद के खर्चे पर यानी ब्राउनिंग के खर्चे पर ये किताब प्रकाशित हुई थी, और ये पैसे उन्हें मिले थे अपनी आंट जिनका नाम था मिसेस सिल्वर थ्रॉन। तो सिल्वर थ्रॉन नाम याद रखने वाला है, याद रह भी सकता है, सिल्वर थ्रॉन यानी जिन्होंने एक तरह से नाम से पता लगता है कि शी वॉज वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सिल्वर थ्रॉन उनका नाम था, और उन्होंने पैसे दिए थे इस किताब को प्रकाशित करने के लिए। सॉडेलो गेन हिम द रेपुटेशन ऑफ वॉन्टन केयरलेसनेस एंड ऑब्सक्योरिटी। सॉडेलो लिखते ही उनको ऑब्सक्योर कहा जाने लग गया, यानी जटिल, यानी उनकी कविताएं समझ में
उनकी जो राइटिंग्स है वो समझ में नहीं आती हैं। टेनिशन ने इस पे कमेंट किया था, ही ओनली अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन। टेनिशन ने कहा कि मुझे इसमें सिर्फ पहली और अंतिम दो ही लाइनें समझ में आई और लाइनें मुझे समझ में आई नहीं। कार्लाइल ने भी इस पे कमेंट किया था कि उनकी पत्नी ने इस किताब को पूरा पढ़ा था और फिर भी उन्हें पता नहीं लगा कि जो सोडेलो है ये कोई शहर का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी औरत का नाम है। तो इस तरह से टेनिशन और कार्लाइल के जो क्रिटिसिज्म है ये उनको मिली थी इस बुक के लिए। ब्राउनिंग का वर्क ऑल इन ए फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन, और 1834 में वो उन्होंने यात्राएं की, यात्राएं उन्होंने खूब की थी अपनी लाइफ में। यूरोप गए वो, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, फिर घर लौट आए। 1835 में पैरासेल्सस किताब पब्लिश हुई थी और इसे थोड़ी प्रेज प्रशंसा मिली। उन्होंने बहुत सारे जो पोइट्स और राइटर्स हैं उनसे मित्रता भी की थी, कार्लाइल से, डब्ल्यू एस लैंडर और दूसरे मैन ऑफ लेटर्स यानी साहित्यकार जो लोग थे उनसे। 1836 पोर्फिरियाज लवर पब्लिश हुई थी। 1837 में स्ट्रेफोर्ड द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल प्लेज, यानी ये प्लेज थे जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ये प्रकाशित हुआ था स्ट्रेफोर्ड। 1838 फर्स्ट विजिट टू इटली, 1838 में पहली बार वो इटली गए। द एक्टर विलियम मैक्रेडी, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको कहा दैट ही शुड ट्राई हिज हैंड एट राइटिंग ड्रामेटिक वर्सेस। रिमेंबर दिस नेम, विलियम मैक्रेडी। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस फैक्ट दैट ऑल दिस थिंग्स कैन बी मेड इन टू क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Who was the person who asked Robert Browning to try his hand at writing down dramatic verses? तो उसका नाम क्या था जिन्होंने उन्हें dramatic verse लिखने के लिए कहा? William Macready। 1840 में Sordello पब्लिश हुआ, ये long narrative poem dramatic monologue था और इससे उन्हें अनइंटेलिजिबल, मीनिंगलेस ये सब नाम उनको दिए गए, यानी समझ में नहीं आता है कुछ भी, ब्राउनिंग एक ऑब्स्क्योर पोइट है। 1841 में उन्होंने बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स नाम से और एक सीरीज पब्लिश की, इसके बारे में थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बता दूं। कुछ कन्फ्यूजन होता है कि बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स क्या है, ये कोई एक बुक नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ बुक्स है, यानी इसमें कई किताबें थी और इसमें 6 प्लेज थे और 2 और इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, यानी 2 तो पोएट्री के कलेक्शन थे और 6 इसमें प्लेस थे। 1842 में पिपा पासेस जो इनका एक पॉपुलर वर्क है, वर्स ड्रामा, वो पब्लिश हुआ था। ड्रामेटिक लिरिक्स पब्लिश हुआ था जिसमें माय लास्ट डचेस जो कि बहुत ही पॉपुलर पोएम है ये भी थी। 1843-1844 में 3 ऑब्स्क्योर प्लेज यानी 3 नाटक लिखे उन्होंने जो बड़े कठिन थे, जटिल थे, समझ में नहीं आते थे। विजिट्स इटली फॉर सेकेंड टाइम, फिर उन्होंने इटली गए वो दोबारा। 1845 में उन्होंने एक लेटर लिखा एलिजाबेथ बैरेट को। एलिजाबेथ बैरेट एक उस समय की बहुत पॉपुलर पोइटेस थी, शी वॉज अ वेरी पॉपुलर पोइटेस ऑफ द टाइम, और एक बार पोइट लॉरिएट बनने की भी उनकी बात चली थी, यानी टेनिशन की जगह उनको पोइट लॉरिएट बना रहे थे लेकिन बाद में टेनिशन को बनाया गया था। तो इतनी वो पॉपुलर थी, उनकी पोएट्री को प्रेज करते हुए ब्राउनिंग ने उनके लिए एक लेटर लिखा और फिर वो उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो उनसे प्यार करते हैं। हालांकि जो बैरेट के पिताजी थे वो और शादी के खिलाफ थे उन दोनों की। 1846 में A Soul's Tragedy ये बुक पब्लिश हुई और बेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज जो है ये खत्म हो गई यहीं पर। फिर उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट से शादी कर ली जो उनसे 6 साल बड़ी थी एंड द इलॉग टू इटली, यानी वो वहां से भागकर इटली चले गए। एलिजाबेथ ने उनके लिए एक किताब लिखी थी, नाम याद रखना है माई डियर स्टूडेंट्स, सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज। रॉबर्ट ब्राउनिंग को उन्होंने ये डेडिकेट की थी। ब्राउनिंग ने भी एक किताब लिखी थी मैन एंड विमेन जिसको उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट को डेडिकेट किया था।
शादी के बाद वो फ्लोरेंस चले गए इटली में, और वहां पे वो खुशी खुशी 15 साल तक रहे। 1849 में एक बेटे का जन्म हुआ, रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग जिसका नाम था, और जिसका नाम जो है वो उन्होंने रखा था पेन, यानी घर पे वो उसे पेन नाम से बुलाते थे। 1850 में क्रिसमस ईव और ईस्टर डे पब्लिश हुई। 1851-52 में वो दोबारा पेरिस और लंदन चले गए। लिटरेरी आर्टिस्टिक फिगर्स जो थे उनसे उन्होंने मित्रता की, जिनमें गैब्रियल रोसेट, चार्ल्स किंग्सले और टेनिशन का नाम शामिल है। 1855 में उन्होंने एक पोएट्री का कलेक्शन मैन एंड विमेन नाम से पब्लिश किया, जिसमें फ्रा लिपोलिपी एंड एंड्रे डेल सार्टो नाम की पोइम्स जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। 1861 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डाइज, उनकी पत्नी की डेथ हो गई। ब्राउनिंग अपने बेटे के साथ लंदन चले गए, बेटे के साथ जिसका नाम था पेन। में उन्होंने ड्रामेटिस पर्सोने जो बुक है उसे पब्लिश किया। 1868 में रिंग एंड द बुक जो है, जो एक रोमन मर्डर ट्रायल की बुक है, ये पब्लिश हुई थी। और 1869 में ब्राउनिंग ने प्रपोज किया था मैरिज के लिए लेडी हेसबर्टन को, और लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। से लेकर 1887 तक उन्होंने कई सारी पोइट्री की बुक्स जो है वो पब्लिश की थी, और ये ऑब्स्क्योर पोइट्री हैं जिसमें रेड कॉटन, नाइट कैप कंट्री, और कलेक्शन है पोइट्री का जैसे ड्रामेटिक इडल्स, वर्स प्लेज हैं जैसे इन एल्बम, और ट्रांसलेशन है ग्रीक से जैसे द एग्मेमनन ऑफ साइलस, ये कुछ बुक्स उन्होंने और पब्लिश की थी इस पीरियड में। 1880 में एक और महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में, 1880 में डॉक्टर एफ जे फर्निवल और कुछ और लोगों ने मिलकर ब्राउनिंग सोसाइटी बनाई थी लंदन में। ये याद रखना आप, नाम क्या है ब्राउनिंग सोसाइटी, डॉक्टर एफ जे फर्निवल और लोगों ने मिलकर 1880 में बनाई थी और लंदन में बनाई थी, और इसमें उन्होंने ब्राउनिंग की स्टडी की और उसको आइडियलाइज किया, यानी उनको एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया था। 1889 में एसोलेंटो जो उनका लास्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स था, और ये उन्होंने पब्लिश करवाया, और फिर ब्रोंकाइटिस से उनकी डेथ हो गई, वेनिस में उनकी डेथ हुई थी, और पोइट्स कॉर्नर जो वेस्टमिंस्टर एबी का है वहाँ पे टेनिशन के पास इनको बरी किया गया था, दफनाया गया था। तो इस तरह से उनकी जो लास्ट में उनकी जो फेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये ब्राउनिंग की लाइफ का एंड है। अब हम बात करते हैं ब्राउनिंग की कुछ विशेष बातों के बारे में। ब्राउनिंग के बारे में, ही इज बिलीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फेमस पीपल टू डियर रिकॉर्डेड वॉइसेस प्लेड आफ्टर डियर डेथ। मरने के बाद जिस व्यक्ति की आवाज रिकॉर्डेड वॉइस सुनी गई थी, ऐसे पहले व्यक्तियों में ब्राउनिंग का नाम शामिल है। शेक्सपियर का नाटक किंग लियर जो है उससे इंस्पायर होके उन्होंने चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम ये उन्होंने लिखा था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ड्रामेटिक आयरनी इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म। ब्राउनिंग लिव्ड इन फ्लोरेंस इटली आफ्टर हिज मैरिज। जॉन कैनियन लेफ्ट पॉन्ड 11,000 टू रॉबर्ट ब्राउनिंग फैमिली ऑन हिज डेथ। जॉन कैनियन ने एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राउनिंग के परिवार के लिए 11,000 पाउंड यानी काफ़ी एक बड़ी रकम जो है वो मरने के समय उनके लिए छोड़ दी थी। अपने लाइफ टाइम में 7 नाटक ब्राउनिंग ने लिखे थे, और 143 याद रहने वाला एक संख्या है, 143 पोइम्स उन्होंने अपनी लाइफ में लिखी हैं। एलिजाबेथ बैरेट ने उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला था, और 1845 में उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। नाउ मैसेज ऑफ ब्राउनिंग, ब्राउनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं,
जो हमें पता होनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ ब्राउनिंग एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ ब्राउनिंग। इन द एज ऑफ पेसिमिज्म ब्राउनिंग इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये एक बहुत बड़ी बात है। ब्राउनिंग इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, उनमें एक बहुत पॉजिटिविटी है, उनमें सकारात्मकता है, आशावादी दृष्टिकोण है उनका। ही गिव्स अ मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। His philosophy is that humans do not have a fixed perspective. Every person sees the world differently under different circumstances, and the truth is subjective. वो ये मानते हैं कि सत्य जो है वो फिक्स नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है और उसी नजरिए से वो इस दुनिया को देखता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। Browning poetry has rhythm but lacks in melody. रिदम तो है उसमें लेकिन मेलोडी नहीं है। अनलाइक हिज कंटेम्पररी टेनिशन हु इज प्रेज्ड फॉर द मेलोडी ऑफ हिज वर्सेस, जैसा टेनिशन में है वैसी मेलोडी और ब्राउनिंग में हमें नहीं मिलती है। हिज प्रोफाउंड थॉट्स मेक ब्राउनिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनके जो विचार हैं वो बहुत ही गहरे हैं और इसी वजह से उनकी पोएट्री समझने में कठिन है। सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। If you want, you can stop here and later on you can resume the video, but I will continue. We will study now the works of Robert Browning. देखिए जो works of Robert Browning हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। पहला जो work है Pauline है, दूसरा है Paracelsus, तीसरा है Strafford, then Sordello, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये 8 volumes में लिखा हुआ है, जिसमें 2 volume पोएट्री के हैं और 6 जो हैं वो उसमें प्लेज ड्रामाज हैं। क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, मैन एंड विमिन, ड्रामेटिस पर्सोने, द रिंग एंड द बुक, फाइव फाइन एंड द फेयर, ड्रामेटिक इडल्स, ड्रामेटिक इडल्स सेकंड सीरीज। ये कुछ वर्क्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के। इनके अलावा भी कुछ वर्क्स हैं लेकिन दे आर लेसर नोन वर्क्स एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो आई हैव जस्ट नॉट रिटन देम डाउन, बट दीज वर्क्स यू शुड गो थ्रू दीज वर्क्स। अगर आप ब्राउनिंग को समझना चाहते हैं तो इन वर्क्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इन वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो ब्राउनिंग का वर्क है पॉलिन, जिसका नाम है फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, 1833 में ये पब्लिश हुआ था सॉन्डर्स और ऑटली के द्वारा। ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं इनको, बहुत ही केयरफुली चूजन है ये, तो आप इनको एक एक चीज को नोट जरूर करें ध्यान से। सॉन्डर्स एंड ऑटले ने इसे पब्लिश किया था और मिसेस सिल्वरथॉर्न ने इसके लिए पैसे ब्राउनिंग को दिए थे। ये एक इंट्रोस्पेक्टिव लॉन्ग पोएम है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जिसमें आत्ममंथन किया जाता है। एम्बॉडीड मैनी ऑफ हिज ऑन अडल्ट पैशंस एंड एंग्जाइटीज, और ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। खुद के जो उनके पैशन हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनका जो जुनून उत्साह है उसका इसमें वर्णन है। इट इज एन इन्फ्लुएंस एंड इट इज अ होमेज, इट इज इन्फ्लुएंस बाय एंड इट इज एन होमेज टू शैले, शैले को ये एक श्रद्धांजलि है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पे अटैक किया था, इस बुक को उन्होंने कंडेम किया था, इसकी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था, उनका एक कोटेशन है, Intense and morbid self-consciousness than I ever knew in any sane human being. यानी किसी भी एक समझदार व्यक्ति के अंदर जितना पागलपन होता है उससे ज्यादा और एक उन्माद मुझे इस बुक में देखने को मिला है। ये J.S. मिल ने उनके बारे में, इस बुक के बारे में कहा था। Now the second book, Paracelsus, 1835. इसका जॉनर मोनोड्रामा है, ये एपिक पोइम है जिसमें 5 parts हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के बारे में है जो समाज में अपनी भूमिका को तलाशने का प्रयास कर रहा है।
इसकी जो कहानी है 16th सेंचुरी का एक सेवंट एंड एल्केमिस्ट है, वो कहानी उनको मिली थी कॉम्टी एमिडी द रिपार्ट मॉन्क्लार। ये जो उनकी एक ये है, इससे उनको इंस्पिरेशन मिली थी और इसी को उन्होंने इसे डेडिकेट किया था। इस पोइम को 5 भागों में बांटा गया है, पैरासेल्सस एस्पायर्स, पैरासेल्सस अटेन्स, पैरासेल्सस, पैरासेल्सस एस्पायर्स, पैरासेल्सस अटेन्स। तो ये 5 पार्ट्स के नेम्स हैं। इन एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड दिस नेम्स एंड यू मे बी कंफ्यूज्ड कि ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये एक पोइम के 5 पार्ट्स के नाम हैं। तो इनको आपको याद रखना है, पैरासेल्सस के 5 पार्ट्स। Now the next is Sordello, which was published in 1840. It's a long poem written in heroic couplets, presented as the imaginary biography of the Mantuan 13th century bard, spoken by Dante in the Divine Comedy, Canto 6 of Purgatory. देखिए इसमें कई नाम आए हैं। ये एक imaginary biography है Mantuan की, जो कि दांते के द्वारा जिसके बारे में बताया गया है डिवाइन कॉमेडी में। डिवाइन कॉमेडी जो दांते की एक बुक है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कैंटो 6 में पर्गेटरी के। तो इसके बारे में ये पोएम उन्होंने लिखी है और हेट और कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाए गए हैं, आर्ट और लाइफ का रिलेशन जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसकी स्टाइल बहुत ही ऑब्स्क्योर थी, तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और इसी के द्वारा, इसी के कारण ब्राउनिंग को और ऑब्स्क्योर पोइट कहा जाने लग गया। टेनिशन ने इस पे कमेंट किया था दैट ही ओनली अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। ये वो बुक है जिसके लिए टेनिशन ने कमेंट किया था कि उन्होंने पहली और अंतिम लाइन ही उनको समझ में आई थी। चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रैफोर्ड 1837। It is the only tragedy written by Browning, wrote for the actor William Macready. William Macready, जिनका नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, William Macready ने उनको इंस्पायर किया था to write dramatic verses, और Browning ने उनके लिए dramatic verse लिखा था जिसका नाम था Strafford, और 1837 में ये पब्लिश हुआ था। Now the next is Bells and Pomegranates 1841-46। ये एक सीरीज है 8 वॉल्यूम्स की, जिसमें 6 प्लेज हैं और 2 कलेक्शंस ऑफ पोएट्री हैं। Bells and Pomegranates stand for poetry and thought। ये उनका एक सिंबॉलिक नाम था जो उन्होंने पोएट्री और थॉट को दिया था, यानी एक तरह से पोएट्री यानी इमोशन और थॉट का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। तो बेल्स नाम था पोएट्री का और पोमेग्रेनेट्स नाम है थॉट का। इसमें 6 प्लेस थे और 2 कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी। अब इसमें जो पोइम इसका जो इसमें उन्होंने लिखा है पीपा पासेस, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। 1841 में ये एक वर्स ड्रामा है, ये पहला वॉल्यूम है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स में, और इसे उन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस नून टेलफोर्ड को, जो इयोन नाम के ट्रेजडी के लेखक थे। और इस पोएम के जो पार्ट हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 इसके पार्ट हैं पीपल पसेस के, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। इनको लिंक किया गया है अलग अलग एपिसोड्स को, यानी पहले वाला जो सीन है वो नेक्स्ट सीन के बारे में कुछ बताता है, नेक्स्ट सीन जो है उसमें प्रीवियस सीन के बारे में कुछ बताया गया है, तो इनमें आपस में एक लिंक है। प्लॉट, इसकी प्लॉट की अब हम बात करते हैं। ऑन न्यू ईयर्स मॉर्निंग हर ओनली हॉलीडे फॉर द एंटायर ईयर पीपा सिंग्स एज शी वॉन्डर्स एमलेसली। पीपा जो कैरेक्टर है इसमें, वो एक न्यू ईयर की मॉर्निंग सुबह के समय और भटक रही है एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के, और अलग अलग लोग उसको लाइफ में अलग अलग जगह पे मिलते हैं और वो उसके गाए हुए गाने से अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। हालांकि उसे पता नहीं है कि वो लोगों की मदद कर रही है, लेकिन लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ये इसका प्लॉट है और इसमें
एक कोटेशन है, गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, ये पीपा पासिस जो वर्स ड्रामा है उसमें ये कोटेशन है। नेक्स्ट ड्रामेटिक लिरिक्स 1842, थर्ड वॉल्यूम है ये बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स का, और ब्राउनिंग की पोइम द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है, इसमें ये पोइम थी। इसमें और भी कई सारी फेमस पोइम्स उनकी हैं, माय लास्ट डचेस, सोलिलोक्वी ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर, पोर्फेरियाज लवर एंड जोहानिस एग्रिकॉल इन मेडिटेशन। ये कुछ उनकी पॉपुलर पोइम्स हैं जो ड्रामेटिक लिरिक्स में थी। इसमें कुछ जो फेमस पोइम्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सोलिलोक्वी ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर 1842 में आई थी, रिटन इन 9 स्टेंजास, इसमें 9 स्टेंजास थे। नरेटेड बाई एन अननेम्ड स्पेनिश मंक, एक स्पेनिश मंक के द्वारा इसको बोला गया है और उनका कोई नाम इस पोइम में नहीं बताया गया है। इस पूरी पोइम को उस मंक के द्वारा खुद के लिए ही बोला गया है, तो ये सोलिलोक्वी है। तो सोलिलोक्वी का मतलब यही है कि ओनली वन पर्सन इज देयर हु स्पीक्स एंड हियर द पर्सन इज द मंक। नेक्स्ट जो इस कलेक्शन की पोइम है वो है माय लास्ट डचेस, 1842 में ये आई थी। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था, ड्रामेटिक लिरिक्स में ये पब्लिश हुई थी। इस पोइम के स्ट्रक्चर की हम बात करें, देर आर 28 एंड जेम्ड राइमिंग कपल्स कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर्स। पोइम इज प्रेसिडेड बाय फरारा इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली अल्फोंसो सेकंड डी एस्ट द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फरारा। इस पोइम में जो ड्यूक के बारे में बताया गया है वो अल्फोंसो सेकंड है, जो फिफ्थ ड्यूक थे फरारा के, 1533 से 1598 तक जो ड्यूक रहे थे। 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी लुक्रेजिया डी कोसिमो डे मेडिकी नाम की 14 साल की बेटी से, जो कोसिमो डे मेडिकी की बेटी थी, जो ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कैनी थे, एंड इलोनोरा डी टोलिडो ये इनकी बेटी थी। तो इसमें ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ड्यूक ऑफ फरारा और लुक्रेजिया डी मेडिकी, ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। और जो लास्ट डचेस जिसका नाम है वो लुक्रेजिया है। प्लॉट जो है इज नरेटेड बाय द ड्यूक ऑफ फरारा टू द एनवॉय ऑफ हिज न्यू इंटेंडेड ब्राइड। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है माय लास्ट डचेस नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस पोइम को जरूर देखें। ये एक बहुत ही अच्छी पोइम है, ब्राउनिंग की मोस्ट पॉपुलर पोइम है। ड्यूक जो है वो अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है एक मैसेंजर को जो अब जीवित नहीं है, यानी जिसकी मृत्यु हो गई है, और ड्यूक ने ही शायद उसकी हत्या करवाई है, ये इसका प्लॉट है। द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन ये इसमें नेक्स्ट पोइम है ड्रामेटिक लिरिक्स में। ये चिल्ड्रंस पोइम है, यानी बच्चों के लिए लिखी हुई पोइम है। एक क्लासिक फोक टेल है जिसमें एक फ्लूटिस्ट है, यानी एक बांसुरी बजाने वाला, जो अपने म्यूजिक से और अट्रैक्ट करता है किसी को भी, तो एक शहर के लोग उसे बुलाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं और वो अपने उस संगीत से उन चूहों को और उस जगह से दूर ले जाता है, उस संगीत से उनको और वो बांध लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट इज पोर्फिरियाज लवर 1836, फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय हिम। इट डील्स विद एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ लवर। इसमें एक लवर की साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। नरेटेड बाय मैन हु हैज मर्डर्ड हिज लवर पोर्फिरिया। पोर्फिरिया एक गर्ल है जिसका जो लवर है उसने उसका मर्डर कर दिया है, और इसका एक साइको एनालिटिकल
एक आइडिया उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है. दिस इज अ साइको एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हु मर्डर्स पोर्फिरिया. ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स ये 1845 में पब्लिश हुई थी और बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स का ये 7th वॉल्यूम था. इसमें उनकी जो पोइट्री है जैसे ग्रामेरियंस फ्यूनरल द स्टैच्यू एंड द बस्ट होली क्रॉस डे ये कुछ फेमस पोइम्स हैं. एक पोइम इसकी है मीटिंग एट नाइट ये ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में पब्लिश हुई थी. पहले इसमें नाइट और मॉर्निंग ये दो सेक्शंस थे. इन 1849 द पोइट सेपरेटेड देम इनटू द टू पोइम्स मीटिंग एट नाइट एंड पार्टिंग एट मॉर्निंग. पहले इसी के दो पार्ट थे नाइट और मॉर्निंग फिर उनका दो इन्होंने अलग अलग सेपरेट कर दिया इनको मीटिंग एट नाइट और पार्टिंग एट मॉर्निंग. ये जो ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बीच का जो प्रेम प्रकरण चल रहा था लव अफेयर उसी दौरान उन्होंने ये पोइम लिखी थी. कैनेडी और हेयर ने इस पोइम को मोस्ट सेंसुअल पोइम कहा है ब्राउनिंग की. ये 6 लाइन के दो स्टेंजाज में लिखी हुई पोइम है. पहले स्टेंजा में जो जर्नी है सीक्रेट जर्नी समुद्र में यात्रा उसका वर्णन है और दूसरे स्टेंजा में दो जो प्रेमी हैं उनके मिलन का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट जो पोइम है इसमें वो है द लेबोरेटरी. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ये 1844 में हुड्स मैगजीन में और कॉमिक मिसलेनी में प्रकाशित हुई थी. फिर ड्रामेटिक रोमांसेस में 1845 में ये पब्लिश हुई थी. मैरी मेडलिन मार्गरेट डी ओब्रे ये इससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोइम लिखी थी. जिन्होंने अपने फादर को और अपने दो भाइयों को जहर दे के मार दिया था और अपने पति को भी वो जहर दे के मारना चाहती थी. ये 17th सेंचुरी की एक पोइम है जो एक ये पोइम उस वुमन ने बोली है एक अपोथकरी से यानी एक मेडिसिन सेलर से कि वो एक ऐसा जहर तैयार करे जिससे वो अपने राइवल्स को यानी दुश्मनों को मार सके. सिक्स प्लेज जो बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स में थे उन प्लेस के नाम हैं पीपा पासेस किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स द रिटर्न ऑफ द ड्रजेस अ ब्लॉट ऑन द स्कचियन कॉलम्स बर्थडे और ल्यूरिया एंड असॉल्स ट्रेजेडी. ये सिक्स प्लेस हैं जो बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स में पब्लिश हुए थे. नेक्स्ट उनका जो वर्क है दैट इज मैन एंड विमेन ये 1855 में पब्लिश हुआ था. इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं और इनमें जो उनके पॉपुलर वर्क्स पोइम्स हैं वो है फ्रा लिपो लिपी द बिशप ऑर्डर्स इज टूम एंड्रिया डेल सार्टो वन वर्ड मोर. फ्रा लिपो लिपी ये जो पोइम है इसका प्लॉट हम देखते हैं. ये एक रेनेसा पेंटर और एक मंक जो था उसके द्वारा ये पोइम बोली गई है जिसका इंटरेस्ट जो है वो नेचुरलिज्म में है और इसके लिए उसकी प्रशंसा भी की जाती है. और फ्रा लिपो लिपीज का जो पैटर्न है संरक्षित जो है वो बिलोंग करता है द मेडिसिस से. ये इस पोइम की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है. एंड्रिया डेल सार्टो द फॉल्टलेस पेंटर भी जिसका नाम है ये ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई पोइम है. एंड्रिया डेल सार्टो का जो ओरिजिनल नाम है वो था एंड्रिया डी एग्नोलो जो एक रेनेसा आर्टिस्ट था. ये एक रेनेसा पेंटर के द्वारा पेंटर के ऊपर लिखी हुई पोइम है जो फॉल्टलेस पेंटिंग बनाता था लेकिन वो ये मानता था कि उसमें सोल यानी आत्मा नहीं है यानी उनका जो वर्क है उसमें और एक तरह की जो इंस्पिरेशन है प्रेरणा जो ईश्वर से मिलती है वो उसके वर्क्स में नहीं है. इस पोएम में जो स्पीकर है एंड्रिया वो अपने आप की तुलना करता है खुद की तुलना करता है माइकल एंजेलो से लियोनार्डो द विंसी से और राफेल से. एंड्रिया डेल सार्टो
वो राजा को धोखा देता है इस पोइम में लुक्रेजिया के लिए जो उसकी बिलोविड है। एंड्रिया डेल सार्टो अपने आप को एक ट्वाइलाइट पीस कहता है। ये कुछ खास बातें हैं जो इस पोइम के बारे में मैंने आपको बताई। द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट टेक्स्ट चर्च। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक बिशप जो है वो मरते समय अपने बेटों को कहता है कि वो उसके लिए एक टूम बनाए ताकि वो अपने राइवल को यानी अपने दुश्मन को और शेम कर सके यानी उसको नीचा दिखा सके। रीजन क्या है उसका? ही वॉन्ट्स टू आउटडू हिज प्रेडिसेसर। जो उसका प्रेडिसेसर है उसको वो पीछे छोड़ना चाहता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, इसके लिए वो ये टूम बनाना चाहता है। और वो ये मानता है कि इस कार्य के द्वारा वो इमोर्टल हो जाएगा यानी अमर बन जाएगा। तो ये पोइम जो है ये एक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें टोटल 10 स्टैंजा है 11 लाइन के और आईएम्पिक टेट्रामीटर में इसे लिखा गया है। राइम स्कीम इसकी है ए ए बी बी सी डी डी ई ई ई सी। थीम इसकी लव एंड लॉस है। इसमें पोइट एक जो है वो अपने लव और लाइफ के बारे में फिलोसॉफिकल और विचार व्यक्त करता है, सक्सेस और फेलियर के बारे में बताता है। एक जो स्पीकर है जो सक्सेस अनसक्सेसफुल है, प्रेम में असफल हो चुका है, वो अपने मिस्ट्रेस से कहता है कि वो उसके साथ एक लास्ट राइड पे जाना चाहता है। तो इसमें जो पोइट के थॉट हैं वो इसमें एक्सप्रेस किए गए हैं और ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोइम है यानी ये एक पूरी तरह से आशावादी पोइम है। इसके कुछ कोट्स हैं, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। ये इसकी कोटेशंस हैं जो पॉपुलर हैं काफी। चाइल्ड रोलेन टू द डार्क टावर केम, ये जो टाइटल है इस पोइम का ये शेक्सपियर के किंग लियर से लिया गया है, Act 3 से Scene 4 से Line Number 9 195 to 197 से ये टाइटल लिया गया है। ये एक सिंबोलिस्ट पोइम है जिसमें एक नाइट जो है वो एक डार्क टावर की सर्च में जाता है और उसे पता है कि उसे ढूंढने से उसे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा यानी वो निराश होगा और शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी वो उसे ढूंढता है और वो कई जगह पे उसकी तलाश में जाता है, बहुत सारे डिजर्टेड प्लेसेस पे वो उसकी तलाश में जाता है। और इसी पे आधारित अमेरिकन ऑथर ने स्टीफन किंग जिनका नाम था, उन्होंने द डार्क टावर सीरीज लिखी थी स्टोरीज एंड नॉवेल्स की जो 1978 से 2012 के बीच में पब्लिश हुई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रोसिपिस जो 1861 में पब्लिश हुई थी बुक, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। इम्पेंडिंग डेथ यानी मृत्यु जो आने वाली मृत्यु है उसके बारे में इसमें चिंतन किया गया है। इसमें मृत्यु के एंटिसिपेशन में यानी डेथ के बारे में इसमें विचार व्यक्त किए गए हैं और मृत्यु के बाद वो सोचता है कि वो अपनी प्रेमिका से फिर से मिल सकेगा। ड्रामेटिस परसों ने ये 1864 में पब्लिश हुई थी बुक जिसमें जो उन्होंने लंदन में लिखी थी जब वो अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की मृत्यु के बाद वो लंदन चले गए थे और वहां पे उन्होंने ये पोइम लिखी थी, ये बुक लिखी थी। इसमें जो पोइम्स हैं इनमें एप्ट वोगलर एक पोइम है। एप्ट वोगलर में एप्ट जो शब्द है इसका मतलब है एबट। एप्ट वोगलर एक म्यूजिशियन था और एक कंपोजर था और इस पोएम में उन्होंने जीवन के उद्देश्य और जीवन के मूल्यों के बारे में वो चिंतन करते हैं, मीन्स ऑन द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। रबाई बन इज़रा, ये जो पोएम है ये अब्राहम इब्र इज़रा जो 1092 से 1167 तक जिनका लाइफ पीरियड था उनके बारे में ये पोएम है।
जो एक पोइट थे, मैथमेटिशियन थे, स्कॉलर थे 12th सेंचुरी के, उन्होंने ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलेब के बारे में लिखा है। इस पोइम, ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें 32 स्टैंजाज हैं, 6 लाइन्स के, और राइम स्कीम इसकी है AABCCB। ये एक थियोलॉजिकल मोनोलॉग है और इसमें उन्होंने ओल्ड एज को प्रेज किया है, यानी जो ओल्ड एज है वो, और उन्होंने बेहतर बताया है ओल्ड एज को यंग एज से। यंग एज जो है उसमें जो यूथ है, विच अटेम्प्ट्स टू कॉन्स्टेंटली सीज द डे, यानी वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो फ्यूचर की नहीं सोचते हैं। तो इस पोइम में उन्होंने ओल्ड एज को और डिफेंड किया है, यानी ओल्ड एज को उन्होंने और बेहतर बताया है। हेलिबन अपॉन सेटबॉस, ये एक विक्टोरियन क्वेस्ट फॉर फेथ की पोइम है, यानी विश्वास कायम रखने के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कॉम्प्रोमाइज है रिलीजन और साइंस के बीच में, उस कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। ये कैलिबन के द्वारा एक बोला हुआ मोनोलॉग है जो कि टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने जिसके बारे में बताया है। और इस पोएम में उन्होंने ये लाइफ को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे बढ़िया तरीके से जिया जा सकता है, इस बारे में इस पोएम में उन्होंने बताया है। द रिंग एंड द बुक, ये जो उनकी बुक है 1868 to 69 पब्लिश हुई थी, ये एक ड्रामेटिक नरेटिव पोएम है। ये एक वर्स नॉवल है जिसमें 21,000 लाइन्स हैं और इसमें 17th सेंचुरी का एक सेंसेशनल मर्डर जो हुआ था उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। इसमें 12 बुक्स हैं, उन 12 बुक्स का और नाम हम देख लेते हैं। द रिंग एंड द बुक, हाफ रोम, द अदर हाफ रोम, टर्टियम क्विट, काउंट गुइडो, फ्रांसेसिनी, गुसेप, कैपंसची, पोम्पिला, डोमिनस, आइसेंथिस एंड अर्कैंग्लिस, जूरिस डॉक्टर, जोहनेस बैप्टिस्टा बोटिनिस, पोप इनोसेंट 12, गाइडो, द बुक एंड द रिंग, दीज आर द 12 टाइटल्स ऑफ द 12 बुक्स। प्लॉट जो इसका है, ये एक स्टोरी है मर्डर ट्रायल की जो रोम में 1698 में हुआ था। एक नोबल मैन है काउंट गाइडो फ्रांसेसिनी, जिनको और दोषी ठहरा गया है अपनी पत्नी पोम्पिला के मर्डर का, क्योंकि उन्हें एक शक था कि उसका अफेयर था गुसेप कैपंसची से। और उनको जब गिल्टी बताया गया, यानी जब उनपे उनको दोषी बताया गया, तो वो अपील करते हैं पोप से, इनोसेंट 11-12 से, कि वो उस कन्विक्शन को और बदल दें, यानी इस बात, इस दोष को वो उस उनसे हटा लें। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम काउंट फ्रांसेसिनी, पोम्पिला और पेट्रो एंड वॉयलेंट जो पेरेंट्स हैं उसके, और कैपंसची जो प्रिस्ट हैं, और पोप इनोसेंट 12, ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम हैं। एसोलेंडो फैंसीज एंड फैक्ट्स 1889 में आया था ये वॉल्यूम, जिसमें पोएट्री है। इसका जो टाइटल है वो एसोलेयर से है, जिसका मतलब है टू डिस्पोर्ट इन द ओपन एयर, टू अम्यूज वन सेल्फ एट रैंडम, एट्रिब्यूटेड टू बैम्बो एट द टाइम ऑफ हिज रेजिडेंस इन असोलो इन नॉर्दर्न इटली, जो इटली में रहते हुए और उन्होंने जो समय बिताया था उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे वर्क्स लिखे हैं जिनमें बेलोस्टियंस एडवेंचर, प्रिंस हाहेनस्टिल, सेवियर ऑफ सोसाइटी, फाइव फाइन एट द फेयर, रेड कॉटन नाइट कैप काउंटी, द इन एल्बम, ला सेसियस, द टू पोइट्स ऑफ क्रोइसिक, जेको सेरिया, फेरिस्टा फैंसीज, पैरलिंग्स विद सर्टेन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस इन दियर डे, ये कुछ वर्क्स उनके अदर वर्क्स हैं। अब हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं ब्राउनिंग के बारे में। जॉन रस्किन ने ब्राउनिंग की पोएट्री के बारे में
शिकायत की थी कि वो ऑब्स्क्योर है। जो बैरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट, ये एक प्ले है जो 1930 में रुडोल्फ बेसियर ने और लिखा था। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ब्राउनिंग के बीच में जो लव अफेयर था उसके बारे में ये ड्रामा लिखा गया है। कुछ क्वेश्चंस जो पॉसिबली क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस, हु वाज द हीरो इन माइंड ऑफ ब्राउनिंग व्हाइल ही वाज कंपोजिंग पैट्रियट, पैट्रियट पोएम उन्होंने लिखी, तो इसका हीरो था अर्नोल्ड ऑफ फोरेस्किया। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम्स हैं उनके कैरेक्टर्स, एप्ट वोगलर एक म्यूजिशियन है, एंड्रे डेल सार्टो एक आर्टिस्ट है, क्लियोन एक पोइट है, चाइल्ड रोलैंड एक मेडाइवल नाइट है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।